हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्वती ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, पालक की पूड़ियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने पालक के पत्तों को अच्छे से साफ़ करके धो के काट के रख लिया है। ज़्यादा बड़ी बड़ी डंडियाँ नहीं लेनी है, सिर्फ पत्तों का यूज़ करना है, और जो नरम डंडियाँ हों वो ले सकते हैं। कढ़ाई में हमने उबालने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के रख देते हैं ढक के। देखते हैं हमारे पालक अच्छे से उबल गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये मैंने आटा निकाल के रख लिया है, इसी में हम उबले हुए पालक को निकाल लेंगे। पालक को ठंडा होने दीजिए ताकि हाथ ना जले आटे को गूंथने में। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे आटे में निकाल लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच, और थोड़ा सा ही गरम मसाला डालेंगे, आधी छोटी चम्मच। ना इसमें हम लहसुन और ना प्याज का यूज़ करेंगे। ये हम सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है कल से, तो हम ये बना सकते हैं आराम से। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खा सकते वो लोग भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने आटा गूँथ लिया है, कितना अच्छा आटा गूँथा है, बिल्कुल जैसे कि रोटी हम बनाते हैं उस टाइप का आटा। कढ़ाई में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। इस तरीके की लोइयाँ बना लेंगे हम। जितनी बड़ी हम रोटी की लोई लेते हैं बस उतना ही बड़ा, नॉर्मल जितनी पूड़ी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखेंगे और उसे हम बेल लेंगे। मैंने ये सारी पूड़ियाँ बेल के रख ली हैं। थोड़ी सी पूड़ियों को मोटी ही रखनी है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हम पूड़ी डाल के आप तलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रही हैं हमारी पूड़ियाँ। पलट देंगे, दूसरी साइड से भी अच्छे से हम पकाएंगे। हल्का हल्का क्रिस्प होने देंगे, निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को एक एक करके तेल में अच्छे से तल लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, चाय के साथ इवनिंग में। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी बच्चों को स्कूल जाना होता है, उस टाइम आप टिफ़िन में इस तरीके की पूड़ियाँ बना के फटाफट से बच्चों को दे सकते हैं। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। पालक में बहुत सारा आयरन मिलता है। जो पालक हम उबालते हैं उसका जो पानी होता है उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसी से आटे को गूंथना है। अगर तब भी बच जाए तो उसको हम किसी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी पूड़ियों को हम अच्छे से तल लेंगे। ये मेरा न्यू पार्वती ब्लॉग चैनल है, इसे सब्सक्राइब, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नई रेसिपी या वीडियो शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हमारी सारी पूड़ियाँ तल के तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी दिख रही हैं। ये चाय, चटनी, किसी भी चीज़ के साथ आप ले सकते हैं।